हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट, यानी देखो, अगर आपने भी बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी, आपने सुना है कि जिस सब्जेक्ट के पीछे वाई आता है वो सारे सब्जेक्ट्स रटने के होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन केमिस्ट्री इसमें भी अपने आप में क्या एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोले तो अपवाद। तो देखो, 11th क्लास का हम एक बहुत ही शानदार और बहुत बेसिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम ही क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी यहाँ से केमिस्ट्री की बहुत बेसिकली एक शुरुआत मानी जाती है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको प्यार से हम एक नाम और देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत, मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर एक मोल क्या होता है, यानी मोल शब्द, मोल शब्द कहाँ से आया। मोल शब्द सबसे पहले यूज किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था ओस्टवर्ल्ड। ओस्टवर्ल्ड ने नाम दिया था मोल, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ढेर, ढेर यानी हीप, ठीक है। अब हीप का मतलब, हीप यानी एक ढेर होगा, जैसे मान लिया, और उस ढेर के अंदर जितने पार्टिकल्स या फिर जितने कोई भी चीज हो, कोई पार्टिकल कोई जरूरी नहीं, जैसे मान लिया इस ढेर के अंदर, यानी वन मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻²³, यानी अगर इसमें फर्स्ट हेडिंग हम लिखें तो फर्स्ट हेडिंग आते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर। देखो, चाहे किसी भी चैप्टर का या फिर किसी भी टीचर का भी, किसी चैप्टर का या फिर किसी टीचर का कोई भी लेक्चर हो, एक लेक्चर हो, दो लेक्चर हो या हजार लेक्चर हो, जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो साथ में अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठे और एक एक बात को, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, कि पता नहीं चलता कब कौन सी बात कहाँ काम आ जाए, ठीक है। तो जुबान से निकले हर एक शब्द में लॉजिक होगा, और खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जो उस लॉजिक को समझ पाते हैं, और बदनसीब होते हैं वो बच्चे जो उस लॉजिक को हंसी मजाक में उड़ा जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक बच्चा खुश नसीब हो, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर। वन मोल का मतलब क्या होता है, वन मोल यानी एक नंबर है, और वो नंबर कितना है, 6.023 × 10⁻²³। तो इतने, जब भी, जैसे मान लिया एक मोल पेन बोले कोई, वन मोल पेन, तो इसका मतलब कितने पेन होंगे, पेन यानी इसको हम बोल सकते हैं 6.023 × 10⁻²³ पेन्स, यानी एक मोल पेन में कितने पेन होंगे, 6.023 × 10⁻²³ पेन्स। ऐसे ही अगर बोला जाए वन मोल एन ए पॉजिटिव आयंस, तो एक मोल एन ए पॉजिटिव आयंस का मतलब कितने आयंस, 6.023 × 10⁻²³ एन ए पॉजिटिव आयंस। ये नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नींद में भी आपसे पूछ लेना एक मोल का मतलब क्या होता है, तो भी आपको याद होना चाहिए 6.023 × 10⁻²³। अच्छा, यहाँ पे देखो 6.02, कुछ किताबें क्या लिखती हैं 6.022 × 10⁻²³, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये पावर याद रहे, फर्क यहाँ से आता है यहाँ से नहीं, ठीक है। तो अब देखो, यानी एक मोल कुछ भी इक्वल टू 6.023 × 10⁻²³ कुछ भी, यानी एक ये वैल्यू क्या है, ये एक वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लग रही, तो इसको हम एक नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, एवोगैड्रोज़ नंबर, और जिसको डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल एन ए से डिनोट करेंगे। यानी यहां से कंक्लूजन निकलता है, वन मोल कुछ भी इज इक्वल टू एन ए कुछ भी, जैसे मान लिया वन मोल रुपीज है, तो कितने रुपीज होंगे, 6.023 × 10⁻²³ रुपीज बोलो, या फिर एन ए रुपीज, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है माइंड में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेना अगर आपके पास पेन नोटबुक हो तो, उम्मीद है कि होगी। तो क्वेश्चन लिखना, इफ यू हैव वन मोल रुपीज एंड यू स्पेंड इट एट द रेट ऑफ 10 lakh पर सेकेंड, देन हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू स्पेंड द टोटल अमाउंट। यानी आपके पास टोटल रुपीज कितने हैं, एक मोल रुपीज हैं, और आप एक सेकेंड में 10 lakh रुपए खर्च करते हैं,
ठीक है, तो आपको कितने साल के बाद सारे ये सारे अमाउंट खत्म हो जाएगी, यानी सारे पैसे खत्म करने, तो आपको कितना समय लगेगा, और समय भी किसमें बताना है, ईयर्स में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे देखो ये क्वेश्चन कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल जनरली क्या है, एक मैथ्स का क्वेश्चन है कि आपके पास एक मोल रुपीज है, 10 लाख रुपए आप एक सेकंड में उड़ाते हैं, तो आपको कितने साल लग जाएंगे सारा पैसा उड़ाने में अभी या फिर खर्च करने में। एक मोल रुपीज देखो बहुत बड़ी अमाउंट होती है दुनिया में, देखो डॉलर वगैरह जितने कंट्रीज हैं उन सबकी करेंसी आप ऐड कर लोगे तब भी इस एक मोल रुपीज के बराबर नहीं होती। ठीक है, तो भगवान से प्रे करो कि आपके पास कम एक दिन एक मोल रुपीज हो। ठीक है, ये लग रहा है कम लेकिन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, अब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर। अब हम सेकंड बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। मोल और मास में रिलेशन क्या होगा, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखो इसमें, देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मास के बारे में। मास देखो, मास जो शब्द है, अब ये हम पूरी केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस पढ़ेंगे। कहीं क्वेश्चन में लिखा आएगा एटॉमिक मास, कभी आएगा ग्राम एटॉमिक मास, कभी आएगा मोलर मास, कभी आएगा ग्राम मोलिकुलर मास, कभी आएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सारे मासेस के बारे में, जब इतने सारे मासेस आ रहे हैं तो क्यों ना इनको एक साथ पढ़ लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, हम एक एक मास को स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट जिसमें आता है, हम फर्स्ट पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोला जाता है क्या, AMU। ठीक है, NCERT लिखती है, नाम सुना NCERT, NCERT। ठीक है, वो लिखती है यूनिफाइड मास बोल लो या फिर AMU बोलो, बात क्या है, सेम है। देखो AMU क्या था, AMU सिर्फ एक मास तोलने की यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम, ग्राम, इसमें हम मासेस तोलते हैं। जैसे आपने मान लिया एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो एक किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम है, या फिर अगर उल्टा बोले हम 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 10^-3 kg। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे 1 ग्राम में 10^-3 kg या फिर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ऐसे ही जो एक AMU है, एक AMU के अंदर 1.67 × 10^-24 ग्राम होते हैं। इसको आप याद रखना, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है किसमें, एक AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.67 × 10^-24 ग्राम। ठीक है, वैसे अगर डिफाइन करें हम इसको AMU को, तो एक AMU आखिर क्या होता है। ठीक है, तो AMU को अगर डिफाइन करें तो ये सिर्फ एक मास तोलने की यूनिट है। अब देखो, अगर मान लिया हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, यानी C12 को आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, अब इसके अगर मान लिया एक एटम आपके पास कार्बन का, और अगर इसका AMU निकालना हो, AMU में अगर इसका मास निकालना है, ठीक है, तो एक एटम लेके आओ कार्बन C12, उसके आप 12 टुकड़े करो, और 12 टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़े का जो मास है वो किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर। यानी लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 आइसोटॉप। यानी कार्बन जिसका मास कितना है, 12 है, उसके आप 12 टुकड़े करें, और जो एक टुकड़े का जो मास है वो क्या कहलाता है, 1 AMU के बराबर। यहां तक क्लियर है कि 1 AMU किसके बराबर होगा, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 आइसोटोप। अगर यहां पे ऑक्सीजन यूज करें हम, तो ऑक्सीजन जिसका, अगर मान लिया ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ठीक है, तो इसके लिए जो एक AMU, देखो एक यूनिट है, तो AMU आप चाहे कार्बन से निकालो या फिर ऑक्सीजन से निकालो, दोनों में मास क्या आएगा, सेम ही आएगा AMU के अंदर। तो AMU के अंदर अगर ऑक्सीजन का मास निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का के लिए, अगर ऑक्सीजन की वजह से हम डिफाइन करें किसको, AMU को, देखो जनरली जो हमारा यूज किया था वो करा था यूज कौन सा, कार्बन, कार्बन की वजह से, कार्बन को एक रेफरेंस मान लिया था, कार्बन से हम बाकी जो मासेज हैं उन सबको कंपेयर किया था, और कार्बन की वजह से डिफाइन करते किसको, AMU को। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वजह से डिफाइन करें, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। नॉर्मली अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है जिसका मास कितना है, 16, तो ऑक्सीजन का एक एटम है जिसका मास है 16, तो उसके हम 16 टुकड़े करते हैं, तो उन 16 टुकड़ों में से जो एक टुकड़े का जो मास है वो क्या कहलाता है,
एक AMU, यानी इसको हम लिखेंगे 1/16th, यानी 1/16th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। तो ऑक्सीजन के जब 16 टुकड़े करते हैं हम, तो एक टुकड़े का जो मास आता है उसको बोलते हैं हम क्या, एक AMU। ठीक है, तो यहां से अच्छा एक और बात आती है AMU के अंदर, ये और याद रखना, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम। 1/NA ग्राम मतलब NA की वैल्यू वही क्या, एवोगाड्रोस नंबर 1/6.23 × 10^23। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो जब आपके पास समय हो तो इसको डिवाइड करके देखना ये कितना आता है, 1.67 × 10^-24 ग्राम। यानी दो रिलेशन जरूर याद रखना, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम, और दूसरा कौन सा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 × 10^-24 ग्राम। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसके बाद जो सेकंड मास आता है उसको बोलते हैं हम क्या, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास। अच्छा यूनिट जरूर याद रखना, मास ऑफ वन एटम तो ठीक है, लेकिन क्या, इन ब्रैकेट में लिखना इन AMU, AMU के अंदर किसी भी एक एटम का मास क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 क्या हथिगोड़े, नहीं मास होगा क्या, 12 AMU। वहीं अगर बात करें हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 16 AMU। तो एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ वन एटम, और वो भी किसमें, इन AMU। इसके बाद थर्ड आता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये भी किसमें होगा, इन AMU। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन का होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अगर माने हम निकाल रहे हैं किसका, CO2 का, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अब कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 × 2 = 32 + 12 कितना आ गया, 44 किसमें, AMU में। ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ अगर निकाल रहे हैं किसका, वाटर का, तो ये कितना होगा, 18 AMU। यानी AMU में क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो किसमें आएगा, AMU में। ठीक है, तो यहाँ तक बात करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता अपना, कितने टाइप के मासेज हो गए, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एटॉमिक मास हो गया, थर्ड कौन सा, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा, फोर्थ टाइप का मास अपना, ग्राम एटॉमिक। नेक्स्ट देखो, फोर्थ टाइप का जो अपना मास आता है ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज है, देखो किताबें लिखती हैं कि व्हेन द एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। सच है लेकिन अधूरा सच है, तो पूरा सच जानने के लिए देखते रहे यही लेक्चर। तो देखो ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम किसमें, इन ग्राम। सही है बात, यही है बात बेटा, यही है बात। वन मोल एटम यानी 6.023 × 10^23 एटम्स का जो मास होगा वो कहलाता है क्या, ग्राम एटॉमिक मास। देखो अगर बात करें हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना था, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 क्या, AMU। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ वन एटम।
फिर हम देखें इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये कितना होगा, 12 ग्राम। तो देखो किताब का लिखना भी ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना 12 AMU और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना 12 ग्राम। यानी देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम है, यूनिट दोनों में डिफरेंट है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो इसको अगर देखो अब हम ध्यान से देखें, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का मास, यानी इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब एक एटम का मास कितना है 12 AMU, ये एक एटम का मास हो गया, इनटू जितने हैं कितने एटम्स हैं, वन मोल एटम, वन मोल एटम यानी 6.023 × 10⁻²³ एटम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Na से। अब देखो याद करो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था रिलेशन आया था, 1 AMU इज इक्वल टू 1 Na ग्राम, तो ये रिलेशन आया था, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे AMU की जगह पे, इसका मतलब 12 × 1 Na × Na ग्राम, Na से Na चटक गए एंड आफ्टर ऑल दिस चटका चटकी क्या आया 12 ग्राम। तो देखो आ गया सेम टू सेम, तो ये चीज़ याद रखना, जो एटॉमिक मास है वो किस में आता है AMU, और ग्राम एटॉमिक मास किस में आता है ग्राम में, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम होती है क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, मास ऑफ वन मोल एटम। नेक्स्ट आते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप का मास कौन सा पढ़ेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास GMM। अच्छा देखो ये बात भी याद रखना कि इसमें जो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास बोलो या फिर आगे जाके हम एक शब्द और आता है मोलर मास, मोलर मास यानी जो हम यूज़ करते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन मास बाय मोलर मास, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी मैडम आती थी आते ही लिखती थी गिवन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास आखिर क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास। तो इसको ध्यान से देखना, ग्राम मोलिकुलर मास देखो अगर सिर्फ मोलिकुलर मास की बात करें, मोलिकुलर मास ऑफ CO2, CO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा 44 AMU अभी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसका ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 ये कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है। अब इसमें सेम वही दिक्कत, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम है जबकि यूनिट दोनों की डिफरेंट है, और 1 AMU में अभी पढ़ा था हमने 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ग्राम मोलिकुलर मास को फिर से, ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल, यानी एक मोल मोलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, ग्राम मोलिकुलर मास, और ये भी किसमें, इन ग्राम, सही है बात, यही है बात। देखो अब ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल, किसके मोलिक्यूल, मोलिक्यूल ऑफ CO2, एक मोल मोलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा, उसका ग्राम मोलिकुलर मास। अब एक मोल मोलिक्यूल का मास निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे ये एक मोलिक्यूल का मास है, एक मोलिक्यूल का मास कितना है 44 AMU। अब जितने हैं कितने हैं, वन मोल का मतलब 6.023 × 10⁻²³, इसका मतलब Na, एवोगाड्रोस नंबर, तो इंटू क्या लिख देंगे हम Na, ठीक है। अब 1 AMU किसके बराबर था, फिर से वही रिलेशन याद रखो, 1 AMU इक्वल टू 1 Na ग्राम, तो 1 AMU किसके बराबर है 1 Na ग्राम, तो इसको लिखेंगे 44 × 1 Na ग्राम और Na से Na चटक गया एंड आफ्टर ऑल दिस चटका चटकी क्या आया 44 ग्राम। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम सेम और यूनिट दोनों की डिफरेंट डिफरेंट, आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना एक लास्ट टाइप का मास बाकी है जिसको बोलते हैं एक्चुअल मास, यानी एक्चुअल में तो यही मास है, ठीक है। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास का मतलब क्या है, यानी जो, यानी इसमें लिख लो मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल
एक एटम का मास और या फिर एक मॉलिक्यूल का मास, और वो भी किस में? इन ग्राम, इन ग्राम। जैसे मास ऑफ कार्बन, या फिर पूरा लिखो इसको, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन। एक्चुअल मास ऑफ कार्बन क्या होगा? 12 AMU था, AMU था तो ये तब तक क्या था, यानी अभी तक ये कौन सा मास है? एटॉमिक मास है इसका। एटॉमिक मास हमें क्या चाहिए? एक्चुअल मास। तो AMU को हम किस में लिखेंगे? ग्राम में। और एक AMU किसके बराबर है? 1.67 × 10⁻²⁻²⁴ ग्राम। यानी यहां से जो मास आएगा ग्राम में, वो इसका क्या कहलाता है? एक्चुअल मास।